आप देख रहे हैं द न्यूज शिफ्ट। जावेद हबीब इंडिया के एक फेमस हेयर स्टाइलिश और बिजनेसमैन, जिनके नाम इंडिया समेत पूरी दुनिया में हजार से ज्यादा सलो मौजूद हैं, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जावेद हबीब अगर किसी भी पालों पर किसी भी तरह अपनी कैची चला दे तो वो एक नया हेयर स्टाइल बन जाता है। हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे ये एक महिला के सर पे थूकते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को। देखा, मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैंपू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस धूप में जान है। वायरल होता ये वीडियो दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां पे एक सेमिनार में जावेद हबीब हेयर स्टाइलिंग का लेसन दे रहे हैं। और इसी दौरान वो ये कहते हैं कि अगर आपके सलों में पानी की कमी हो तो आप बड़ी आसानी से थूक का इस्तेमाल कर लोगों के बाल काट सकते हैं। मेरी थूक में जान है, ज़रा सोचिए, आप किसी सलों में बाल कटाने के लिए गए और आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, वो भी कोरोना के इस भयानक दौर में, आपका रिएक्शन क्या होगा? और कितनी शर्म की बात है कि सामने बैठे लोगों में से एक ने भी इस महिला का साथ नहीं दिया, बल्कि ऐसी नीच हरकतों पर ये तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं। ज़रा देखिए रिएक्शन उस महिला का जावेद हबीब के इस नीच हरकत के बाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता, वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है। मैं बड़ौद की रहने वाली हूँ और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन द स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया, और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया, मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी। पर कभी जावेद, ये वही जावेद हबीब है जिनके पिता हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू के बाल काटा करते थे। ये वही जावेद हबीब है जिनके नाम 24 घंटे में नॉनस्टॉप 410 हेयर कट का रिकॉर्ड है। हालांकि इस तरह की नीच हरकतों के बाद जावेद हबीब ने अपने एक वीडियो के जरिए महिला से माफी मांगी है। जरा देखिए इस वीडियो को। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और ये हमारे लंबे शो होते हैं, और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा इसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। वीडियो में जावेद हबीब कह रहे हैं कि हमारे सेमिनार बहुत ही लंबे होते हैं और थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। जरा सोचिए कि हिंदुस्तान के एक जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट बिजनेसमैन का ये कहना है कि कोरोना के इस महाकाल के दौरान किसी के सर पे थूकना एक एंटरटेनमेंट है। शुक्रिया, आप देख रहे थे द न्यूज शिफ्ट।